सब उनकी देता है ना, इसलिए कृष्ण कहते हैं पिता आम से जग। ये बच्चा किसके भैया, ये बच्चे किसके हैं, उसको रुला मत। इसलिए भगवान है, इसलिए कहते जब तुम अपना बेटे को, नकली बेटे को तुम उधार करने के लिए तुम स्वयं कूद सकते हो, और जो हम लोग कौन है, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्याम द्रविण तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। हम लोग कौन है, भगवान की संतान है, भगवान ही हमारे पिता माता भाई बंधु कौन है, ठाकुर जी सब कुछ है, हैं? तो उनको उधार करने के लिए उनको उतरने का जरूरत नहीं। इसलिए भगवान जगत में, जब जब जगत में अधर्म बढ़ने लग जाए, संतों के ऊपर में अत्याचार होता है, इसलिए ठाकुर जी को जगत में अवतीर्ण लेना पड़ता है। बोल श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। अभी प्रश्न है, कृष्ण तो अजन्मा है, फिर ये जगत में भगवान को क्यों अवतीर्ण लेना पड़ा। इसलिए हमारे शास्त्र में बहुत अच्छी 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 उन्होंने कारण बताए। आज मैं 10 कारण बताऊंगा कृष्ण जगत में क्यों आए, और कल आपसे सुनूंगा, देखूंगा ये बात मेरे को कौन बता पाएगा, जो बोलेगा उसको मैं इनाम दूंगा। ठीक है बच्चों, तुम लोग ध्यान देकर सुनो, भगवान अजन्मा होते हुए जन्म क्यों लिए, हमारे शास्त्र में इस विषय पर क्या क्या बोले। इसका पहला कारण स्वयं कृष्ण गीता में कहते हैं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी जुगे जुगे। हे अर्जुन, भक्तों को पर में अत्याचार होने पर, गो ब्राह्मण को पर में अत्याचार होने पर, मैं इसी जगत में अवतीर्ण होकर के अपना भक्तों को रक्षा करता हूँ और दुष्टों को मैं विनाश करता हूँ। ये एक कारण हो गया, अब गिनते रहना, मैं कोशिश करूंगा 10 कारण बताने के लिए। दूसरा कारण है, बोले अनुग्रहाय भक्ता नाम करोमी निवेदन क्रिया, कि तुम्हें भक्तों के ऊपर में अनुग्रह करने के लिए अवतरण होता हूँ। जैसे कृष्ण जन्म हुए, तभी तो कल हम लोगों ने बड़े धूमधाम से नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, अगर भगवान जन्म नहीं लेते तब उत्सव फिर मनाते, फिर घर में बैठ के टीवी देखते, दुनियादारी बात करते, हमारे कल्याण कैसे होता। भगवान अवतीर्ण हुए, उतना कुमारी अघासुर को बकासुर को मारे, तभी तो आज हम भगवान की कृष्ण कथा सुनेंगे, फिर प्रभु राम की कथा सुनेंगे, अगर प्रभु लीला नहीं करते तो हमारे कल्याण कैसे होता, फिर हम सुनते क्या। हमारे मन जितने भगवान के प्रति आवेश हो गया, तब ये माया संसार से हम छूट सकते हैं। इसलिए भगवान कहते भक्तों का मन को धीरे 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 अपना चरण में लगाने के लिए, मेरी भक्ति में लगाने के लिए मैं इस जगत में अवतीर्ण होता हूँ। कितना कारण हो गया, कहते उसमें 2 कारण हो गया। तीसरा कारण बताए, आप लोग राम कथा सुने होंगे, जिस समय भगवान राम लक्ष्मण सीता वनवास में गए, रावण का बहन सुपर्ण का जब भगवान राम को देखा, वो तो देखकर बावरी बन गई, इतने सुंदर जगत में कोई पुरुष हो सकता है, अद्भुत सुंदर ठाकुर जी थे, उनकी रूप देख कर के सुपर्ण था काम में मुग्ध हो गई, और बड़ी सुंदर रूप धारण की, धारण करके बोले देखो मैं जितने सुंदर ही हूँ ठाकुर तुम्हें भी वैसे सुंदर ही, हमारा जोड़ी बड़ी प्यारी बनाया, इसलिए मेरे से शादी कर ले। इतने में भगवान राम बोले देखो अल्लणी मेरी पत्नी सीता है, बोले इसकी शरीर में क्या रखा हुआ है, हड्डी मांस और कुछ है नहीं, देखो मैं कितने सुंदर ही हूँ। भगवान राम बोले मैं सीता के सिवाय और किसको मैं शादी नहीं कर सकता हूँ। इतने में लक्ष्मण गया था, कहाँ पर, लकड़ी लेने के लिए गया था, जब लक्ष्मण जंगल से आया, सुपर्ण का देखी, बोले ये कौन है, बोले मेरे छोटी भैया है, छोटे भैया है, बोले ये तो बड़े सुंदर है, ये कम नहीं देखने में, कहता इसको पत्नी है कि नहीं, इससे मैं शादी कर सकती हूँ, बोले तेरे जैसे मनमान इसको कौन रोक सकता है, पूछ करके देख लो। अब ये लक्ष्मण के पास में गई, बोले देख तू मेरे से शादी कर ले। लक्ष्मण बोले अभी अभी तू भैया से कुछ बोल रही थी, बोले वो मेरे प्रेम को समझा नहीं, वो बात को छोड़ो तू मेरे से शादी कर लो। लक्ष्मण बोले ये बताओ तू दासी बनना चाहती हो ना रानी, बोले रानी
बोले मैं तो प्रभु का दास हूं, मेरे से शादी करोगे ना सेवा करते करते थक जाओगे। कहा रानी बनने की तू स्वप्न देख रहे हो, जाओ प्रभु राम को पास में जाओ। फिर राम को पास में आई, फिर प्रभु ने इनकार कर दी। बोले तुम लोग को मेरे को पता है मैं कौन हूँ? मैं रावण की बहनी हूँ, मैं प्रार्थना करने वाली नहीं, ये सीता जितने गड़बड़ का कारण है, अभी इसी को मैं खा जाती हूँ। जब उसने खाने के लिए गई, प्रभु राम ने लक्ष्मण को इशारा किया तो उसने उनकी नाक कानी काट दिए। बोले भैया नाक कानी इसको क्यों काट दिए, किसको शादी नहीं करना, छोड़ दो ना, फिर नाक कानी क्यों काट दिए? कहते जो लक्ष्मण ये गुरु है। बोले गुरु का क्या काम है? बोले जीव को उपयुक्त बना करके भगवान की सेवा में लगाए। लक्ष्मण समझ गए इसने भगवान को हृदय में बैठा चुका हूं, बैठा चुकी है, और भगवान भक्त वत्सल है। आप इनको जिस रूप में प्रार्थना करो ठाकुर जी उसी रूप में ठाकुर जी को प्राप्त कराते हैं जीवों को। इसलिए एक स्त्री जितने सुंदरी क्यों नहीं हो तो उसका नाक कान काट दो, दुनिया में उसको कोई पूछेगा भाई? उसको पूछेगा दुनिया में कोई? बोले भैया तू राम का ही बन करके रहो, और किसी को बननी नहीं चाहिए, राम की बन करके रहो। फिर वही जो थी सुपर्णखा पर प्रभु राम लीला में कौन बन करके आई है? कहिए श्री कुजा बन करके आई है। फिर ठाकुर जी कृष्ण फिर उनको कृष्ण लीला में ठाकुर जी ग्रहण करते हैं। कहिए ये एक कारण है। कितना कारण हो गया हम लोग बोलो, कितना कारण हो गया? तीन हो गया। चौथा कारण बताए, कल आप लोगों ने वामन अवतार की लीला देखी। भगवान जब वामन बनकर के बलि महाराज का घर में आए, इनकी एक बेटी थी जिसका नाम थी रत्नमाला। ये माताओं का स्वभाव है अगर किसी सुंदर बच्चे को देखे तो उसको गोद में लेने की इच्छा करती है। कहते उसको गोद में लेकर के हम लाल लड़ाए। अभी भगवान वामन बन करके आए, इनकी रूप देख करके इनकी बेटी के मन मन में इच्छा हुई अगर मेरा ऐसे बालक एक बन होता तो मैं दिन भर उसको गोद में लेकर मैं लाल लड़ाती। ठाकुर जी बोले कोई बात नहीं, अगले जीवन में मैं तेरा बेटा बनकर के आ जाऊंगा। लेकिन जब भगवान दो पग में सब कुछ ले गए, अभी तीसरे पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं, तो उन्होंने बुलाया गरुड़ जी को, बोले इसको नाग फांस बंधन में बांध दो। जब बांध दिए, इनके बेटे ने देखा एक बड़ा दुष्ट निकला, मेरे पिताजी का सब कुछ ले लिया, मेरे पिताजी को बांध भी दिया। बोले अगर तुम मेरे बेटे बन करके आओगे ना, तेरे को मैं दूध क्या पिलाऊंगे, तेरे को मैं जहर पिलाऊंगी। ठाकुर जी बोले कोई चिंता नहीं, मैं तुम्हारी बेटा भी बन जाऊंगा, मैं जहर भी पिलाऊंगा। वही बैल क्या बन करके आती है, क्या बन करके आती है? फिर वही पुतना बन करके आती है। फिर ठाकुर जी उनकी इच्छाओं को ठाकुर जी पूरी करते करते ये चौथा कारण है। कहते पंचमा कारण है, आप लोग रामायण सुने होंगे, रामायण सुने हो? कौन कौन रामायण सुने? आप लोग रामायण सुने हो? जिस समय एक धोबी थी, धोबिनी थी, वो गई थी अपना पीहर। पीहर से जब घर में वापस आ रही थी, बीच में एक नदी पड़ती है। अभी हो गया था शाम और वहां रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही थी। केवट ने कहा देखो तुमको मैं नदी नहीं पार करा सकता हूँ, एक तो तुम लड़की, फिर ये रिमझिम बारिश हो रही है, फिर ये हो गया शाम, इसी अवस्था में मैं तुमको नदी पार नहीं करा सकता हूँ, ये एक मर्यादा है। अभी उसको मजबूरी में एक रात उसको केवट घर में रुकना पड़ा। जब उसने दूसरे दिन आई, उसको पति ने पूछा तुमने दूसरी रात में कहाँ थी? बोले ऐसे ऐसे बीच में हो गया था, एक रात वो केवट घर में मेरे को बिताना पड़ा। उसने बोले देखो मैं राम नहीं हूँ, सीता को रावण उठा करके ले गया, एक साल तक लंका में रखा, लेकिन जब वापस आई ना फिर प्रभु राम ने उसको ग्रहण कर लिया, बराबर आसन दे दिया। लेकिन वो धोबी को पता नहीं रावण ने जो सीता को उठा करके ले गया तो सीता थी नहीं, वो कौन थी? रामायण लिखे है ना, रावण आने से पहले भगवान राम को सब बात पता चल गया था। उन्होंने सीता को बोले देख सीता मैं क्यों आया जंगल में ये दुष्टों को संहार करने के लिए, जब तक राक्षस वंश को मैं ध्वंस नहीं कर देता हूँ तब तक ये अग्नि में तुम रहो, अग्नि की शरण में रहो,
जब फिर मैं वापस आऊंगा फिर मैं तुमको ग्रहण कर लूंगा। इसलिए असली सीता को उन्होंने अग्नि में रख दिया था, वो जो सीता थी नकली, क्योंकि सीता माँ लक्ष्मी स्वयं, रावण उनको पकड़ेगा क्या, उनको दर्शन तक भी नहीं कर सकता, क्यों, वो जगत माँ जगदग्नि माँ लक्ष्मी स्वयं थी, इसलिए उसने नकली सीता को लेकर गई थी, वो असली सीता थी नहीं। अभी ये रहस्य उसको तो पता नहीं था, उसने भगवान को बड़े कटाक्ष से की तो बोले मैं तुम्हें ग्रहण नहीं कर सकता हूँ, जहां पर रुका है ना जाकर के तुम वहीं पर जीवन बिताओ। अभी उन्होंने राम को जब ये बात पता चला, राम ने फिर सीता को वाल्मीकि आश्रम में दे दी, जब वाल्मीकि वहीं पर लव कुश की जन्म हुई, इसलिए जब लव कुश की जन्म हुई, अभी भगवान राम हर साल में एक एक अश्वमेध यज्ञ भगवान ने किया। वशिष्ठ जी ने कहा देखो जब तक तुम्हारी पत्नी नहीं हो तब तक तुम ये यज्ञ नहीं कर सकते, कोई शुभ काम करने के लिए पत्नी की जरूरत है, पत्नी को वाम पार्श्व में बैठा करके तुम यज्ञ को तुम कर सकते हो। बोले सीता को तुम्हें नहीं, जंगल में त्याग दे दिया। बोले तेरे पिता भी तो तीन तीन शादी किए थे, तुम और यदि शादी कर लो है। बोले नहीं राम, सीता के सिवाय और किसी को ग्रहण नहीं कर सकता, क्यों, मेरी सीता पवित्र है, मेरी सीता पवित्र है, इसलिए मैं ग्रहण नहीं कर सकता हूँ, और कोई उपाय बताओ। बोले क्षत्रिय लोग सोने की सीता बना करके अपना बाम पार्श्व में रखे और कोई शुभ काम को कर सकते, बोले ये तो मैं कर सकता हूँ। भगवान 11,000 साल तक उन्होंने राजत्व किया अयोध्या में, हर साल एक एक यज्ञ करते थे और एक एक सोने की सीता बना करके बाम पार्श्व में रखकर के यज्ञ करते थे और वशिष्ठ प्राण संचार कर देते थे। अभी सख्यात सीता बन जाती थी, अभी इतने सारे सीता गए क्या कभी, इतने सारे सीता गए क्या कभी, जब भगवान कृष्ण आए ना वही जितने सारे सीता सबके सब कृष्ण लीला में ये सबके सब गोपी बन करके आए और हमारे कृष्ण सबको उन्होंने ग्रहण किया। देखो यहाँ सिखा देते हैं ये बांके बिहारी ऐसे के ठाकुर है ना, उन्होंने किसी को छोड़े नहीं, आप किसी रूप में उनको प्रार्थना करो, कोई कुबड़ी हो कोई राक्षस हो जिसको दुनिया में कोई भी ग्रहण नहीं करते हो ना, केवल श्री बांके बिहारी जी को पास में आ जाओ और एक बार उनसे बोल दो ठाकुर मैं तेरा हूँ और तू मेरे हो, बस इतने एक बार बोल दो ना ठाकुर जी को, ठाकुर किसी को त्याग नहीं दिए, ठाकुर सबके सब ठाकुर जी ने ग्रहण कर दिए, इतने श्री बांके बिहारी दयालु है। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले श्री बांके बिहारी की जय, जय श्री राम। कहते ये भी एक कारण है कृष्ण अवतार में क्यों ठाकुर जी को आना पड़ा, ये कारण है। बोले जिस समय भगवान राम वनवास पहुंचे पंचवटी में, वहां पर बड़े बड़े ऋषि लोग कठोर तपस्या कर रहे थे गोपाल मंत्र में, ये कृष्ण मंत्र में उपासना कर रहे थे। जब वहां पर भगवान राम गए और राम और श्याम एक ही है, अभी उन्होंने राम को देख करके श्याम को याद आए, बोले ठाकुर जी हमें अपना पत्नी रूप में स्वीकार करो। भगवान राम बोले देखो ये रामावतार में एक सीता के सिवाय मैं किसी को ग्रहण नहीं कर सकता, इसलिए तुम सबके सब द्वापर युग में गोपी बन करके आओ, इसलिए ये जितने सबके सब ऋषि थे ये सबके सब ब्रज में गोपी बन करके आए, इसलिए जो ब्रज में जो गोपियां हैं ये कोई साधारण स्त्रियां नहीं थी हैं। गोपी मतलब क्या है, गो मतलब होता है इंद्रियां और पी मतलब होता है पीना, जो नित्य निरंतर अपना इंद्रियों को द्वारा कृष्ण भक्ति रस को जो पान करती थी, सबके सब ये ब्रज गोपी है। और भगवान राम भी सिखा देते हैं, भगवान राम ने क्या सिखा दिया, जब तुम शादी करके एक पत्नी को पास में रहते हो, तुम्हारी कर्तव्य है अपना पत्नी से को साथ में ही संबंध रखो, ऐसे नहीं पत्नी को शादी करके किसी दूसरे को साथ में तुम प्रेम कर रहे हो, इसलिए कहते हैं ये भगवान ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है, उन्होंने ये मर्यादा को उन्होंने रक्षा किया है, हैं? मर्यादा को रक्षा ग्रहण करते हुए जगत में शिक्षा देने के लिए ठाकुर जी ये सब लीलाओं को ठाकुर जी ने की है। इसलिए पति पत्नी रह करके धर्म पूर्वक अपना घर गृहस्थी को हमें निभानी चाहिए, ये भगवान की ये शिक्षा है।
कहते ये भी एक कारण है भगवान कृष्ण अवतार में क्यों आए और उन्होंने कैसे सबको कैसे ठाकुर जी ने ग्रहण किया है। ठाकुर जी बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले श्री सियावर रामचंद्र की, बोले श्री पवन सुत हनुमान की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले जिस समय भगवान राम जनकपुरी ठाकुर गए, जब जनकपुरी गए तब श्री राम श्री विश्वामित्र जी को बोले, विश्वामित्र दत्त जी, तो उन्होंने विश्वामित्र जी को बोले गुरु जी थोड़ा आदेश दे दो, हमने सुना ये जनकपुरी देखने में बड़ा सुंदर है, एक बार हम जनकपुरी दर्शन करके आते हैं। गुरु जी ने कहा दर्शन करके नहीं, दर्शन दे करके आओ। अभी राम लक्ष्मण गए जनकपुरी दर्शन करने के लिए और इतने सुंदर दोनों थे, एक पीताम्बर एक नीलाम्बर, एक गौर रंग के एक श्याम रंग के, दोनों भैया जब चल रहे थे ना ऐसे लग रहा था जैसे चंद्र सूर्य एक साथ में प्रकट हो गए। अद्भुत ठाकुर की जोड़ी थी, जैसे दो मतवाला हाथी जैसे चल रहे हैं। अभी जिस गली में जाए ना एक बार जो प्रभु का दर्शन करे वो हल्ला मचा देते थे। बोले श्री सियावर राम चंद्र की, बोले श्री राम लक्ष्मण की। अभी जिस गली में जाए उसी गली में ही जय जय जयकार हो रहा था। अभी प्रभु को दर्शन करने के लिए जितने किशोरियां थी ना, जितने कुंवारियां थी, सबके सब कोई झरोखे से देख रही थी, कोई छत के ऊपर से देख रही थी। अभी झरोखे से जो देख रही थी उनको तो ठाकुर का दर्शन हो रहा था, लेकिन जो छत के ऊपर में खड़ी थी ना उनका दर्शन नहीं हो रहा था। इसलिए बोले भगवान राम कभी भी अपना सर उठा करके किसी पराई स्त्रियों को कभी नहीं देखे। प्रभु कभी उन्होंने पराई स्त्रियों को कभी भी सर उठा कर कभी नहीं देखे, वो हर समय भगवान राम सर झुका करके चलते थे। ये दुनिया को शिक्षा दे रहे भगवान राम हैं। जब चल रहे थे अभी छत के ऊपर में जो किशोरियां थी अभी तो ठाकुर को दर्शन नहीं कर पा रही थी। इतने में उन लोगों ने थोड़ा खास से जब ऐसे किए मतलब थोड़ी सी आप सर को ऊंचा करो थोड़ी सी आपका दर्शन हो जाए, लेकिन भगवान राम तो सर उठाने वाले है ही नहीं। ठाकुर तो जब सर नीचा करके चल रहे थे पीछे पीछे श्री लक्ष्मण चल रहे थे। कहते ये लक्ष्मण कौन है? बोले ये गुरु है। बोले भैया गुरु का काम क्या है? बोले गुरु का काम है ये जीवात्मा को परमात्मा से मिलाए, ये गुरु जी का काम है। हैं? अभी लक्ष्मण बोले ठाकुर जी को, बोले ठाकुर जी थोड़े से सर को ऊंचा कर देखो, तुम्हारे जो भक्त है ना ये छत के ऊपर खड़े हुए हैं, आपको दर्शन करना चाहते, थोड़ी सी आप उनको दर्शन दो। भगवान राम बोले लक्ष्मण ये जनकपुरी मायापुरी है, इधर उधर मत देखा करो, सीधा चलो सर नीचा करके चलो। फिर दूर गए तो फिर किशोरिया प्रखासी। फिर इतने में लक्ष्मण बोले प्रभु एक बार दर्शन दे तो भक्तों को, है देखो यहाँ पर कहते हैं भैया हम संतों की शरण में जाने का क्या जरूरत है, अपने आप ठाकुर का दर्शन कर लेंगे। बोले नहीं, जब तक ये संतों की शरण में नहीं जाओगे, जब तक ये संत हमें हमारी हो करके ये ठाकुर जी को प्रार्थना नहीं करते है ना, तब तक ठाकुर जी कृपा करने वाले नहीं। जैसे मानो मोदी, आप मोदी से मिलना चाहते हो लेकिन ऐसे मोदी में थोड़ी मिल सकते हो। अगर कोई मोदी के दाहिने हाथ जैसे अमित शाह है, अगर इसको साथ में तुम्हारी बहुत मित्रता है, बड़ी मित्रता इसको साथ में, बड़ा तुम्हारी खास मित्र लगता है, पर भैया एप्लीकेशन देने का कोई जरूरत नहीं, वो सीधा तुम्हारी हाथ लेकर अपना मोदी से सीधा मिला दे। कहते उसी तरह हमें ये सदगुरु चरण आश्रय की क्या जरूरत है, कारण यही है अगर ठाकुर जी के कोई अगर निजजन हो, उनका कोई प्यारे भक्त हो, जब हम उन्हीं की शरण में जाते हैं तो वो सीधा हमारी हाथ लेकर के ठाकुर जी के पास में सीधा पहुंचा जाते हैं। इसलिए लक्ष्मण यहाँ पर बारंबार प्रार्थना कर रहे हैं ठाकुर जी एक बार दर्शन दो, अभी गुरु का तो आदेश ठाकुर को पालन करना ही पड़ेगा। इतने में भगवान राम जब थोड़ा ऊपर देखे ना, इतने सुंदर ठाकुर जी थे, जितने किशोरिया थी प्रभु राम को देखते सब बेहोश हो गए, प्रभु रूप देखते ही सबके सब बेहोश हो गए गिर पड़ी। जब होश आई ना
सबके सब राम को पीछे बढ़ गए, बोले प्रभु हमें शादी कर लो, हमसे ब्याह कर लो। भगवान राम लक्ष्मण को बोले, लक्ष्मण तेरे को पहले से ही मना कर रहा था, सर नीचा करके चलो, देखो ये कहते सब शादी कर लो, तू अभी शादी कर लो, शादी तुमसे कर लो। तब राम बोले, देखो ये रामा अवतार में एक सीता को सिवाय और मैं किसी को ग्रहण नहीं करूंगा, तुम सबके सब द्वापर युग में गोपी बन करके आओ। देखो ये सब गोपी कौन कौन है, ये कोई साधारण गोपी नहीं, पूर्व जन्म में जो कठोर तपस्या की है वही लोग ही कहते कृष्ण अवतार में सबके सब गोपी बन करके आए और हमारे बांके बिहारी सबको उन्होंने स्वीकार किया। बोले भैया राम क्यों नहीं स्वीकार किया, कृष्ण क्यों स्वीकार किया, बोले जो कृष्ण है वो पूर्ण ब्रह्म है, वो सोलह कला में परिपूर्ण सर्व सर्व समर्थ हो गए हैं, ये समर्थ है कृष्ण, क्यों संपूर्ण पूर्ण ब्रह्म ही भगवान है, इसलिए उन्होंने सबको उन्होंने ग्रहण की और सबको उन्होंने इच्छा को ठाकुर जी कृष्ण अवतार में ही पूरी किए। बोले ये भी एक कारण है जगत में कृष्ण क्यों आए, उसका और कारण है एक समय ब्रह्मलोक से एक समय वैकुंठ से भगवान नारायण का चरण तुलसी और चंदन का खुशबू वैकुंठ से बहते हुए ये ब्रह्मलोक में आए। कहते ब्रह्मा के चार मानस संतान है सनक सनातन सनतन और सनत कुमार, ये पहले ब्रह्म ज्ञानी भगवान को निराकार निराकार मानते थे। अभी ब्रह्मा बड़े दुखी थे, कहां इनको जन्म दिया, भगवान की प्रेम भक्ति रस को कहां पान करनी चाहिए, पता नहीं भगवान को निराकार निराकार मानने लगे, आंख बंद करके ध्यान करके बैठे रहते हैं, वो बड़े दुखी थे। लेकिन जब ठाकुर जी की तुलसी चंदन की खुशबू इनकी नासिका में प्रवेश किया, इतना सुंदर उसमें खुशबू थी, बोले पिताजी इतने सुंदर खुशबू कहाँ से आ रहा है, बोले बेटा ये भगवान नारायण की चरण तुलसी चंदन की इतनी खुशबू, बोले जिनके चरण की तुलसी की इतने खुशबू वो कितने खुशबू नहीं होंगे, वो कितने सुंदर नहीं होंगे, बोले हाँ बेटा बड़े सुंदर ठाकुर जी। बोले पिताजी हम इनको दर्शन करके आए, बोले जरूर दर्शन करो, ब्रह्मा तो खुश हो गए, बोले क्यों, बोले तब तक भगवान को भी निराकार निराकार कहते हैं जब तक ठाकुर का दर्शन नहीं कर ले, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बोले इन्हें बिलो कत अति हर सीता, इन्हें बिलो कत अति हर जो पिता कभी पहले भगवान को निराकार निराकार मानते थे, लेकिन जब भगवान राम जनकपुरी में आए, प्रभु राम रूप देखते ही बोले इन्हीं बिलोकत अति हरसिता बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। उन्होंने देखा इतने सुंदर ठाकुर जी, पहले उनको निराकार निराकार बोलता थे, लेकिन प्रभु को रूप देख करके ना सब भूल गए और प्रभु रूप में ही वो डूब गए। फिर वो समझ गए जो राम है ये ब्रह्म नहीं, राम कौन है, ये परम ब्रह्म, ये परम ब्रह्म। और उन्होंने पहले उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी ये धनुष को उठा करके, हैं कभी ये शिव धनुष को उठा करके उसमें दो प्रत्यंचा चढ़ा दे, उसी को साथ में सीता की शादी हुई थी। वो समझ गए थे मेरी बेटी सीता कोई साधारण नहीं, ये साक्षात मां लक्ष्मी है। बोले ये धनुष को कौन उठा सकता, बोले नारायण ही उठा सकता, और कोई ये धनुष को नहीं उठा सकते, क्योंकि जिस धनुष को 400 व्यक्ति जो धनुष को उठाया करते थे, इतना बड़ा वो धनुष था, बोले नारायण के बगैर इस धनुष को कोई नहीं उठा सकता है। लेकिन जब प्रभु राम को उन्होंने देखा है ना, समझ गए अगर कोई धनुष उठाएगा तो यही व्यक्ति धनुष उठा सकता है, क्योंकि अभी तक मैंने ब्रह्म 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 बोलता था,
लेकिन इनको दर्शन करते सारे मन की ब्रह्म कहाँ खत्म हो गई। अरे मेरे हृदय में श्री राम ही, मेरे हृदय में श्री रामचंद्र बैठ गए। बोले श्री सियावर रामचंद्र की जय। इसलिए कहते जब राम भगवान चंद्र हैं, इसलिए यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कहाँ ये ब्रह्म ब्रह्म में डूब गए। अभी प्रभु को दर्शन करने के लिए जाए तो जब भगवान को दर्शन करेंगे अपने आप भगवान के भक्त बन जाएंगे। तब उन्होंने चार सात दरवाजा पार होने का बाद भगवत दर्शन होता है। कहते छह दरवाजा तो उन्होंने पार हो गए। जब उन्होंने सप्तम डोरी पर पहुंचे वहां पर जय विजय खड़े थे। अरे ये चतुर संत नंगे धरेंगे अंदर में घुसते जा रहे हैं बिना बोले जय विजय। वहां पर उनने उनका रास्ता को बंद कर दिया। बोले कहाँ जा रहे हो? अरे कम से कम तो पूछो तो सही, भगवान लक्ष्मी नारायण क्या करते होंगे कोई पता नहीं, तो बिना बोले अंदर अंदर में घुसते हुए जा रहे हो। जो उनको रास्ता को रोक दिए चतुर्सन को क्रोध आया। बोले ये वैकुंठ है, वैकुंठ मतलब क्या है? जहां पर कोई कुंठा धर्म नहीं, जहां पर राग द्वेष हिंसा काम क्रोध लोभ जहां पर नहीं। कहते भगवान को भी गर्व है यहाँ पर, ये भगवान की दिव्य धाम है, हम लोगों को रोकने का तुम इतने साहस कैसे हो गया? हम तुम दोनों को अभिशाप देते हैं, तुम दोनों राक्षस जन्म में जाओ। अभी तो रोने लग गए। जो रोने लग गए अभी हय हल्ला सुनकर के ठाकुर जी अंदर से आए। बोले क्या बात? बोले ऐसे ऐसे बात। बोले देखो अगर तुम लोग मेरे भक्त बन करके जाओगे ना सात जन्म के बाद में आओगे, अगर मेरे शत्रु बन करके जाओगे तीन जन्म बाद में आ जाओगे, बताओ तुम क्या चाहते हो? बोले प्रभु हम तो चाहते जल्दी जल्दी आपकी सेवा में वैकुंठ में आ जाए। बोले जाओ फिर मेरे शत्रु बन करके जाओ। पहला अवतार में वो हिरण्यनाथ और हिरण्यकशिपु बन करके आए, और भगवान उनको वराह अवतार में और नरसिंह अवतार में ठाकुर जी बद थी। फिर दूसरा अवतार में बताओ वो दोनों फिर क्या बन करके आए? तृतीय युग में कौन बन करके आए? सत्य युग में हिरण्यनाथ के हिरण्यकशिपु बने। तृतीय युग में क्या बन करके आए? बोलो कौन बोलेगा? बोलो जोर से बोलो, तुम लोग नहीं बोल सकते हो। इसलिए हमारा नियम है क्या जानते हो, थोड़ी सी हमारी ग्रंथों को थोड़ी सी पढ़नी चाहिए, हमारी भागवत थोड़ी रामायण गीता को पढ़नी चाहिए ना, गीता पढ़नी चाहिए, ठीक है ना। जब ग्रंथों को आप पूछो कौन हीरो हीरोइन का नाम क्या सब बता दो, कौन प्लेयर का नाम क्या बताओ, सब हमें ये सारे चीजें हमें मुखस्त सब चीज के। लेकिन कोई है, मैं एक बार गया था जयपुर में कथा करने के लिए, मैं जब वापस आ रहा था देखा एक 5 साल का एक छोटा बच्चा पतंग उड़ा रहा था। मैंने उसे पूछा भैया तुम्हारे नाम क्या है? बोले वो जो नाम को बताया मैं समझ गया कि मुसलमान बेटा है। तो मैंने उसको 5 साल का बच्चा था, मैंने पूछा तेरे को कुरान आता है? बोले हाँ मेरे कुरान आती है। बोले बोलाओ। वो झट झट झटा झट कुरान बोलना शुरू कर दिया। मैंने कहा भैया तुम्हारी धर्म में इतने उम्र से ये कुरान पढ़ाई जाती है? कहते हमारे धर्म में कंपलसरी 2 साल जब हो जाए बच्चे को कुरान कंपलसरी उसको याद कराना जाती है। हमारे धर्म में ये कंपलसरी है हमारे धर्म में। इसलिए आप देखे होंगे शुक्रवार के दिन बच्चों को छोटे छोटे बच्चों को टोपी पहना करके ले जाते हैं और मेन रोड में बैठा करके उनको कुरान पढ़ाते हैं। पढ़ाते भी नहीं आप हिंदुओं में कोई बोलते हो बच्चे को थोड़ी गीता पढ़ो, बोलते हो कोई गीता पढ़ो? देखो देखो इसका परिणाम क्या, देखो ये सही घटना है। फरीदाबाद में एक ओल्ड हाउस था, उसमें हम जा करके प्रोग्राम किया, वहां पर कीर्तन किया, कीर्तन करके हमने कथा सुनाई। जब कथा पास में आया बोले बाबा हम तो बड़े दुखी है। बोले क्यों? बोले ओल्ड हाउस में। मैंने पूछा फिर आप क्या करते थे? बोले मेरे 5 गज की कोठी है। किसने कहा मेरे 1000 गज की कोठी है? मैंने पूछा भैया फिर ओल्ड हाउस में क्यों बिता रहे हो जीवन? बोले हम बच्चों को तो बोले पढ़ो पढ़ो पढ़ो, एक ATM कार्ड बना दिया, लेकिन कभी हमने उसको बताया नहीं थोड़ी सी गीता रामायण पढ़ो, कभी नहीं बताया। और बच्चे नास्तिक बने, नास्तिक बने तो पिता माता की सेवा तो करना भूल गए। घर में बहू आई, इतने लड़ाई झगड़ा हुई, लास्ट में बच्चा हमारे पक्षे नहीं दिया, बहू का पक्षे दिया। और लास्ट में हमने कहा भैया तुम रहो, हम तो जा रहे हैं ओल्ड हाउस में, पैसा की कमी नहीं, लेकिन हम दोनों पति पत्नी ओल्ड हाउस में पढ़ रहे हैं, पड़े हुए हैं।
अगर बच्चों को अंदर में कोई भक्ति के संस्कार नहीं दोगे ना, आपको लास्ट में ओल्ड हाउस में जान बिताना पड़ेगा। लेकिन वहां पर मैंने जितने देखा हिंदुओं को देखा, एक मुसलमान को ओल्ड हाउस में, एक मुसलमान को नहीं देखा। देखा तो सारे हिंदुओं को वहां पर बैठते हुए देखा। अगर हम बच्चों के अंदर में कोई भक्ति के संस्कार नहीं बनाएंगे ना, पहले मैं बता रहा था ना, किसी ने कहा गुरुजी बच्चा बात नहीं सुनता है। गुरुजी ने कहा बात रामायण पढ़ते हो, बच्चे को रामायण पढ़ाते? बोले नहीं। बोले जो पढ़ेगा नहीं, नहीं पढ़ेगा उसको यही दुर्गति, और कोई गति नहीं। क्योंकि रामायण पढ़ते, रामायण में तो लिखा हुआ है प्रात उठहिं रघुनाथा मात पित गुरु न महिमाथा। ठाकुर जी सवेरे उठ करके पिता माता के चरण छूते थे। आप देखे होंगे रामायण, दशरथ महाराज की चरण दुआएं करते थे भगवान। बच्चे इसे वो ग्रंथ पढ़ेंगे तभी तो संस्कार बनेंगे। लेकिन अगर हम सोचते नहीं बच्चों को कोई भक्ति के संस्कार, पढ़ते पढ़ते इतना पढ़ लेते हैं, ज्यादा जो पढ़ लिख जाते हैं ना, कहते पिता माता को तू क्या जानता है, हम इतने इंजीनियर डॉक्टर हम किया है, हमने PhD किया, तू क्या जानता हो बीमार को। इतने पढ़ा लिखा ही कर देते हैं ना बच्चे, लास्ट में हमें थुतकारते हैं। अगर उनको मेरे पे बचपन से भक्ति की कोई संस्कार डालो, भक्ति की, बच्चा कभी भी थुतकारेगा नहीं। बच्चा बड़े बन करके तुम्हारी सेवा करेगा, तुम्हारी आदेश पालन करेगा। इसलिए हम जहाँ जाते हैं ना, एक ही रटना है हर घर घर में, बच्चे बात नहीं सुनते। भूल किसका गलती है? पिता माता की गलती है। पहला संस्कार पिता माता से ही पड़ेगा। किससे? पिता माता से ही संस्कार पड़ेगा। अगर पिता माता भक्ति करे, भजन करे, माला जप करे, फिर तो बच्चों को पर तभी संस्कार पड़ेगा ना, नहीं तो करेगा नहीं तो कहाँ सीखेगा वो। पहला संस्कार तो तुमसे ही बढ़ेगा पहले। इसलिए पहले संस्कार कहाँ से देनी चाहिए? माँ से, सबसे पहले माँ से। आप देखना, आप माला जप करो, बच्चे देख करके देखो, यहाँ पर कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं, खड़े हो जाओ। और किस और कौन माला जप करते थे? देखो ये दो बच्चे, देखो घूम जाओ, इधर घूमो उस तरफ, घूम जाओ, हाथ में माला दिखा, देखो हाथ में ये माला जप कर रहे थे, उधर घूम जाओ, घूमो उधर, देखो ये बच्चे कहाँ से माला करना सीखिए। देखो इनके हाथ में माला सीखी कहाँ से? पिता माता से ही सीखे ना। इसलिए पहला संस्कार पिता माता से, सबसे पहले संस्कार बढ़ेगा, ठीक है ना, बढ़िया। इसलिए आप लोग भक्ति करो, बच्चों के ऊपर अच्छे संस्कार डालो, जैसे बच्चे अच्छे संस्कार बने, पहले तो अपना पिता माता को ही आदर कर सके। सबसे पहले किसका आदर करे? अपना पिता माता को ही सबसे पहले आदर करे। जो पिता माता की आशीर्वाद जिसको ऊपर मिलता है ना, शास्त्र कहता है उसको चार चीजें मिलेगा, बल ऐश्वर्य श्री जस, उसको चार चीज जगत में मिलती है। सवेरे उठो, पिता माता के चरण छुओ, अगर उनका हृदय से अगर आशीर्वाद निकलता है ना, पिता माता के हृदय से बच्चे के ऊपर में, बच्चे बहुत अच्छे बनते हैं। अगर यहाँ पर उल्टा सुलटा लिखा हुआ ब्रह्मा जी की, ब्रह्मा को उसको मिटाना पड़ता है, क्यों? पिता माता की आशीर्वाद प्राप्त कर रहा है, ठीक है ना। पहले तो बड़े लोगों को करना पड़ेगा, जो छोटे तभी तो करेंगे, जब बड़े लोग करेंगे तो छोटी माता करेंगे ना, छोटे कहाँ सीखेंगे। अगर छोटे देखेंगे मेरी मैया उठ करके सबसे पहले अपना पिता माता सास ससुर को प्रणाम करती है, फिर बच्चे तो अपने आप सीख जाएंगे। बच्चे उसको तो कुछ पता नहीं है ना, वो जो देखेगा वैसे करेगा, ठीक है। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार जोर करके बोलो, बोला हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। श्री राघव सने वाली तेरो पुजारी है गिरधारी, श्री राघव सने वाली तेरो पुजारी है गिरधारी, तेरो
राधे। गत कल हम लोग श्रवण किया था कृष्ण मथुरा में कंस के कारागार में प्रभु कैसे प्रकट हुए। आज हम सुनेंगे कृष्ण नंद के लाला बन करके गोकुल में कैसे जन्म लेते हैं। और गोकुल में कितना नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। आज कैसे गोकुल में उत्सव मचता है इसको हम सुनेंगे। कहते श्री नंद बाबा जी के जो पिताजी इनका नाम था परजन बाबा। इनके 5 बेटे थे, उपानंद, सुनंद, अभिनंद, नंदन और श्री नंद। इनके 5 बेटे थे। पहले ये नियम होता था, ये 4 आश्रम है, पहले ब्रह्मचर्य, उसके बाद में गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यासी। पहले जैसे भी बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ते ही पहले गुरुकुल में 25 साल तक सबके सब बच जाते थे। जब गुरुकुल में सारे वेद पुराण अध्ययन हो जाता था फिर गुरुजी उससे प्रश्न करते थे, बोले बेटा बताओ अभी तुम क्या करोगे। अब ये सारे ग्रंथ वेद पुराण पढ़ करके जिनको ये लगता था ये जीवन का उद्देश्य क्या है, वो कहता था गुरुजी हम तो चाहते हैं तुम्हारे चरण में रह करके प्रभु की भक्ति साधन करते हुए अपना मुक्ति मार्ग को हम प्रशस्त कर ले। वो गुरुजी के आश्रम में रह जाते थे, गुरुजी की चरण की सेवा करते थे, भक्ति करते थे। अभी जिनको संसार के बगैर रह नहीं सकते, जिनको बहुत ज्यादा संसार में आसक्ति होती थी, तो गुरुदेव बोलते थे बेटा चल जा अपना घर में जाओ और वो अपना वर्ण जाति के अनुरूप शादी करना। पहले तो लव मैरिज नहीं होता था। पहले क्या होता था, पिता माता जहाँ पर शादी करवा दिए वहीं पर सबके सब शादी कर लेते थे, इसलिए कितना जीवन अच्छी तरह से बीत जाते थे। इसलिए कभी डाइवोर्स नाम सुने कभी, पहले इतने बड़े बूढ़ों को पूछो कभी नहीं था, क्योंकि वर्ण जाति शास्त्र इस सब को निमित्त करके शादी करवाया करते थे, इसलिए सारा जीवन इनकी सुख में बीत जाती थी। लेकिन अभी धीरे 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 ये पाश्चात्य शिक्षा अभी आ करके हमारी जो संस्कृति को धीरे 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 नष्ट करते हुए जा रहा है। इसलिए कहते आई लव यू फिर आई लीव यू फिर आई किल यू, जाकर कोर्ट में नंबर काटते हैं। इसलिए पहले गुरुदेव बोलता थे बेटा जाओ अपना घर में वर्ण जाति के अनुरूप शादी करवाओ, शादी करके अपना गृहस्थ धर्म को दोनों मिल करके अच्छे तरह से पालना करो। लेकिन कब तक, बोले 50 साल, उससे ज्यादा नहीं है 50 साल तक गृहस्थ। उसके बाद में देखो जो अंक है 51 52 मतलब घर में नहीं वृंदावन जाओ भजन करने के लिए वृंदा 51 52 54 ये बन बन शब्द आता है। इसलिए भागवत में बताया 50 ऊर्ध्वे वनम ब्रजत, 50 साल के बाद में शास्त्र मना करता है घर में मत रहो। अब लोग रामायण देखे होंगे ना, रामायण देखे हो, देखना एक समय दशरथ महाराज सीसा में जब अपना फेस को देख रहे थे, देखा 2-4 उनका जो केस है वो सफेद हो गया, तो उन्हें सफेद बाल को देख करके बोले नहीं और नहीं, हमें और संसार में नहीं रहनी चाहिए। राम को बुलाए, बोले बेटा मैं चाहता हूँ तुमको राज सिंहासन में अभिषेक सिद्ध करते हुए जिस काम के लिए भगवान ने हमें जीवन दिया है किस लिए दिया है, घर गृहस्थी के लिए। शास्त्र कहता है नहीं, बोले अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं आए थे हरि भजन को कोटन लगे कपास। आए थे क्यों, भगवान के भजन करने के लिए आए, लेकिन जो काम के लिए आए थे उसको तो रख दिया पीछे, और जो करने के लिए नहीं आए थे ना उसमें ही हम रह गए। ये मानव शरीर ने ये मुक्ति के दरवाजा पर हम खड़े हैं, 84 लाख जन्म के बाद में ये मुक्ति के दरवाजा पर हम खड़े हैं। इसलिए पहले पहले लोग 50 के बाद में जान बुझ कर घर में नहीं रहते थे, जानते हैं घर में रहकर भक्ति करना कठिन है, बाल बच्चे बहू दुनियादारी में भक्ति करना कठिन हो जाएगा, इसलिए क्या करते थे वानप्रस्थ ग्रहण करके दोनों पति पत्नी जा करके धार्मिक स्थान में रह करके दोनों मुक्ति के रास्ता को देखते थे। अभी इसको बाद में अंक क्या आता है देखो 61 60 61 60 मतलब क्या, अगर 50 साल के बाद में भक्ति करने नहीं जाओगे फिर क्या सठिया बन जाओगे हैं? फिर सठिया जानते हो ना, फिर भक्ति होना बड़ा कठिन है, भक्ति होना बड़ा कठिन। लेकिन उसको बाद में 69 70 71 बोले हाँ तर सकते हो। गोस्वामी जी कहते हैं सठ सुधर सत संगत पाए, अगर किसी भाग्य क्रम से
कोई अच्छे संतों का अगर संग मिल गया ना, इसलिए सठ सुधरे, ये सठों का भी कल्याण हो सकती है। सत संगत पाई, अगर कभी सत्संग इनको मिल गया ना, इनके भी उद्धार हो जाती है। इसलिए उन्होंने पांच बच्चों को बुलाया, बोले देखो बच्चों, तुम लोग बड़े हो गए, शादी हो गई तुम्हारी, अभी तुम लोग घर गृहस्थी को संभाल लिया है, हम दोनों पति पत्नी अभी बान प्रस्थ लेकर के हम किसी तीर्थ स्थान में भक्ति करना चाहते हैं। बोले पिताजी कोई बात नहीं, अब जाओ भगवान की भक्ति करो। बोले मैं सबसे बड़ा बेटा को राज सिंहासन में अभिषिक्त करके हम जाना चाहता हूँ। लेकिन बड़ा बेटा ने कहा, पिताजी यद्यपि मैं बड़ा बेटा हूँ, लेकिन राजा बनने का मेरे योग्य नहीं, कि जो नंद है ना मझला बेटा, यही राजा बन सकता है। इनके अंदर में सारे प्रजाओं को अपना पुत्रवत देखना चाहिए, ऐसे नहीं जब तक सिंहासन में बैठेंगे लूटते रहेंगे, अपना घर को भरते रहेंगे, नहीं। शास्त्र में बताया, जिस राज्य में भगवान की भक्ति भजन पूजा हो, जिस राज्य में अपना बच्चों को, अपना संतान को, प्रजाओं को अपना बच्चे जैसे पालना करनी चाहिए, ये राजा के धर्म है। राजा अगर धर्म पथ में चलता है ना, तो राज्य में बड़ा शांति सुख होता है, राज्य में शांति सुख बनी रहती है। इसलिए बोले मझिला बेटा को ही राज सिंहासन में बैठा हो। बोले सचमुच से बात सही है, नंद बाबा को सिंहासन में बैठा करके दोनों बान प्रस्थ में चली गई। अभी चार बच्चों को तो संतान है, केवल श्री नंद बाबा का ही घर में कोई बच्चा नहीं, उनने हर तरह का बार व्रत किया। अभी सोच रहे हैं राज सिंहासन को कौन संभालेगा, घर में कोई संतान है। एक दिन क्या हुआ, अब लोग नंदगांव गए हो, कौन कौन नंदगांव गए हो, ये बच्ची वहां पर खेलना नहीं, चुप बैठो। इसलिए आप कौन कौन नंदगांव गए हो, हाथ उठाओ तो देखना, वहां पर एक नंदीश्वर महादेव है और वहां पर के आशीश्वर महादेव। एक समय उन्होंने श्री आशीश्वर महादेव को पूजा की, बोले ठाकुर जी मेरे घर में कोई संतान नहीं है। आकाशवाणी हुई, बोले चिंता मत करो, ऐसे एक दिव्य संतान तुम्हारे जन्म लेने वाले, जिस संतान सारा दुनिया में तुम्हारे नाम को उजाला करेगा। इसलिए उनका नाम आशीश्वर, आशीष मतलब आशीर्वाद जो देते हैं, आशीर्वाद जो देते हैं, उनका नाम आशीश्वर महादेव। इसलिए अभी एक दिन नंद जसोदा विचार कर रहे हैं, हमने तो सारे हर व्रत को रखा है, लेकिन अभी तक एक व्रत नहीं रखा, ये एकादशी व्रत। एक एकादशी का नाम पुत्रता, पुत्रता मतलब जो एकादशी करने से घर में पुत्र की जन्म होता है। देखना 24 एकादशी में एक का नाम पुत्रता एकादशी। बोले सारे एकादशी तो हमने रखा है, लेकिन एक एकादशी नहीं रखा, कौन सी, पुत्रता एकादशी। चलो हम ये पुत्रता एकादशी को हम रखते हैं। जब उन्होंने पुत्रता एकादशी को रखे, उसी रात को उन्होंने स्वप्न देखा। क्या स्वप्न देखा, सुंदर दो बालक है, एक श्याम रंग के और एक चमचमाते हुए, एक गौर रंग के दो बालक में ये नंद बाबा के हृदय में प्रवेश किया, फिर इनके हृदय से मैया जसोदा के हृदय में प्रवेश किया, और दोनों को जो नेत्र खुली, आंख खुली, बोले ये स्वप्न देखा कब, बोले श्री ब्रह्म मुहूर्त में ये स्वप्न देखा है। देखो पहले कल में बता रहा था ना, जो एकादशी है, ये एकादशी को कौन सा व्रत कहते हैं, एकादशी को बता, कल्पतरु व्रत है। कौन सा व्रत है, कल्पतरु मतलब क्या है, कल्पतरु मतलब का जो मांगो जीवन में वही मिलेगा। कल मैं बता रहा था ना, हर एकादशी व्रत का ना अलग अलग नाम है, एक ही नाम किसी एकादशी का नहीं। आज जो एकादशी, बताओ तो एकादशी का नाम क्या है, बोलो जोर से, ये सफला एकादशी। सफला एकादशी मतलब क्या, आज जो एकादशी व्रत को करोगे सफल, सब कुछ चीज तुम्हारी सफल होगा, कोई भी काम करो उसमें सफल होगा, इसलिए इसका नाम सफला एकादशी है। एक एकादशी का नाम मोक्षदा, जिसको करने से जीव को संसार बंधन से मुक्ति मिलती। एक एकादशी का नाम इंदिरा, इंदिरा मतलब होता है लक्ष्मी, जो एकादशी करने से माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। एक एकादशी का नाम अर्णदा, जिसको करने से घर में अन्न की लाभ होती है। एक एकादशी का नाम है पाप मोचनी, जो एकादशी करने से सारे पाप नष्ट होते हैं। देखो ये इसकी कथा सुन लो, आज एकादशी है ना, आगे और कथा सुनाऊंगा। बोले एक समय स्वर्ग में वहां पर इंद्र चंद्र सारे देवता बैठे हुए थे, वहां पर दो पति पत्नी
जो एक गंधर्व और एक गंधर्विणी उनको सामने नृत्य विद्या दिखा रहे थे, लेकिन उसमें जो गंधर्विणी स्त्री थी वो बहुत ही सुंदर थी। उसका जो पति इसको प्रति इतने आसक्त था, सारे देवता बैठे हुए उनको सामने नृत्य विद्या दिखा रहे थे, दिखाते, लेकिन उसको पत्नी थी बड़ी प्यारी, अभी नई नई शादी में तो ज्यादा ही प्यारी लगती है। अभी तो वो इतने पागल उसका रूप में वो भूल गया, हम यहाँ नृत्य विद्या दिखा रहे हैं, उसको पत्नी को मुंह को ही देख रहा है, उसको पत्नी को मुंह को ही देखते जाए। वहां पर इंद्र बैठा हुआ था, बोले दुष्ट तेरे को पता नहीं, यहाँ पर सारे देवता बैठे हुए, तुम नृत्य विद्या दिखाने के लिए आए हो और तुम्हारी पत्नी को तरफ पागल होकर बीच में देख रहे हो, नृत्य विद्या भूल गया, फिर तुम दोनों को मैं अभिशाप देता हूँ, तुम मरते जगत में पिशाच जन्म प्राप्त करो, भूत जन्म को, प्रेत जन्म को प्राप्त करो। अभी उनके अभिशाप से उन्होंने जगत में प्रेत जन्म पिशाच जन्म में आए। ये जो पिशाच होते हैं किसी व्यक्ति के ऊपर सवार होकर उनको खून पीते हैं, अगर उनको खून नहीं पिए तो जिंदा नहीं रह सकते। जब कुछ दिन उन्होंने इसे बिताया, एक दिन दोनों सोच रहे हैं क्या कभी हमें ये पिशाच जन्म से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, कभी हम जिंदगी भर ऐसे जीवन बिताएंगे। तो उन्होंने सब शास्त्र को ढूंढे, ऐसे कोई उपाय किया है। उन्होंने पढ़ते पढ़ते देखा जो एक एकादशी है जिसका नाम पाप मोचनी, जिसको करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन पहले जो एकादशी का जो नियम था, एकादशी से एक दिन पहले रात को नहीं भोजन करनी चाहिए और दिन भर निर्जला व्रत रखो और उसको बाद में टाइम से व्रत को खोलनी चाहिए। ये एकादशी की सही सही विधि। अगर ऐसे कोई एकादशी अगर सही सही कोई करता है ना, आप देखोगे जो मांगोगे एकादशी से, एकादशी वही फल प्रदान करता है। लेकिन कलयुग में हमारे गुरु वर्ग ने देखा, अगर कलयुग में कुछ भोजन नहीं करना, दिन भर सोते रहेंगे, तो आज हमने व्रत रखा है, आज कोई काम नहीं करेंगे। इसलिए एकादशी का और एक अर्थ होता है ग्यारस, कहते हमारी ग्यारह इंद्रियां हैं, पांच कर्मेंद्रियां, पांच ज्ञानेंद्रियां, इनका जो राजा ये मन। एकादशी का नियम है ये एकादश इंद्रियों को भगवत सेवा में लगाओ, जैसे अम्बरीश महाराज करते थे, बोले सब ही मन कृष्ण पदारविंद, मन को कहाँ लगा, बोले ठाकुर का चरण है, बोले करो मतलब हाथों से भगवान की सेवा करो, कानों से ठाकुर की कथा सुनो, जीवा से ठाकुर जी का नाम कीर्तन करो, प्यार से भगवान के मंदिर तुलसी परिक्रमा करो। इसलिए एकादश इंद्रियों को भगवत सेवा में लगानी चाहिए नियम। उन्होंने बड़े कष्ट से, लेकिन हमारे गुरु वर्गो ने कुछ सरल कर दिया, भैया कोई बात नहीं, दिन का 12 बजे तक व्रत रहो, उसको बाद में फल मूलादि ग्रहण करो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा प्रभु की भक्ति करो, भजन करो। अभी उन्होंने सोचे रात को जब तक वो खून नहीं पिएंगे ना, वो जिंदा नहीं रह सकते, वो तड़फड़ाएंगे पर, बोले हम क्या करें, बोले किसी तरह से ये एकादशी व्रत को हम करते हैं। जब उन्होंने पाप मोचनी एकादशी व्रत रखी, दूसरे दिन जब उन्होंने व्रत खोला है ना, कहते सारे पाप से मुक्त हो गए, मुक्त होकर उन्होंने दिव्य मूर्ति धारण करते हुए उन्होंने स्वर्ग में फिर उन्होंने पहुंचे। जब स्वर्ग में पहुंचे इंद्र देख करके तो आश्चर्य में पड़ गया, उनको बुलाया, बोले इधर आओ, बोले मैंने तुमको अभिशाप दिया था, ऐसे कौन सा तुम लोगों ने व्रत रखे जो कि सारे पाप कर्म से मुक्त हो गए, बोले हमने श्री पाप मोचनी एकादशी व्रत रखे। इसी पाप मोचनी एकादशी व्रत से ही हम संपूर्ण पाप से मुक्त होकर के हम पुनः स्वर्ग लोक में देवता और देवी बन करके आए। इसलिए बड़े से बड़े पाप, मैं कल बता रहा था ना, कोई व्यक्ति साल साल तक पड़ा हुआ बिस्तर में, मृत्यु नहीं हो रहा है, दुख कष्ट भोग कर रहा है, किसी ब्राह्मण को बुलाओ, पंडित को, बोले इनकी जल्दी से जल्दी मुक्ति कैसे होगी, वो कौन सा व्रत करने के लिए बोलेगा, बोलेगा कोई एकादशी व्रत करके इसका फल दे सकता हूँ, कोई बार व्रत नहीं बताया, बोले एकादशी व्रत करके फल दे सकता हूँ। देखो आपको सही घटना सुनाता हूँ। एक समय हमारे जो बड़े गुरु जी थे, वृंदावन में एक ट्रक में एक गैया की एक्सीडेंट हो गई, उसका हड्डी पसीना चूर चूर हो गई, उसकी इतनी तड़फड़ा रहा था रोड में। एक हमारे बड़े गुरु जी की एक शिष्या थी अमेरिका की, उसने देखा इतने कष्ट भोग कर रहा है, उसने बड़े गुरु जी को पास में आए, बोले गुरुदेव एक गैया में एक ट्रक की एक्सीडेंट हो गई और बड़ा कष्ट भोग रहा है, तड़फड़ा रहा है,
बड़े बताओ अभी क्या करनी चाहिए। गुरु जी ने कहा देखो एक काम करो, जाकर उसको कान्हा में जाकर के बोल दो मैं एक एकादशी व्रत तुम्हें दूंगा, एक एकादशी व्रत करके मैं दूंगा। उसने जब उसकी इतना कान्हा में जाकर बोल दिया ना, बोलते ही शरीर उसका छूट गया, उस समय शरीर छूटी। आप लोग भी देख लेना, बड़े से बड़े कोई कष्ट भोग कर रहे हैं, आप उसको संकल्प करके एकादशी व्रत दो। ये एकादशी व्रत की अधिष्ठात्री देवता कौन है? स्वयं श्री बांके बिहारी, ये कृष्ण स्वयं हैं एकादशी व्रत किए अधिष्ठात्री देवता। इसे नंद जसोदा सोच रहे हैं हमने अभी तक ये पुत्रदा एकादशी व्रत नहीं रखी, चलो हम दोनों ये पुत्रदा एकादशी व्रत को हम करते हैं। वो जो पुत्रदा एकादशी व्रत की उसी रात को ही उन्होंने स्वप्न देखा। क्या स्वप्न देखा? दो बालक इनके हृदय में प्रवेश किया और इनकी नेत्र खुल गई। मैया जसोदा बोली नंद बाबा से मैंने एक बड़ा सुंदर स्वप्न देखा है। नंद बाबा बोले मैंने भी एक स्वप्न देखा, बताओ तू पहले बता फिर मैं बताऊंगा मैंने क्या स्वप्न देखा। मैया बोली मैंने स्वप्न देखा एक सुंदर बालक मेरे पीछे पीछे कपड़े खींचते हुए, बोले मैया मेरे को गोद में उठा लो, मैया मेरे को दूध पिला लो, मेरे पीछे पीछे आकर के मचल रहा था, मेरे को स्वप्न नहीं लगा सचमुच से कोई एक सुंदर बालक है। नंद बाबा बोले मेरे स्वप्न सुन ले, बोले बताओ, बोले मैंने भी देखा तेरे गोद में सुंदर एक श्याम रंग का बालक किलकार मारते हुए वो दूध पान कर रहा था, पान करते समय दोनों धारा से दूध बहते हुए उसका कुर्ता भीग रहा था, मेरे को स्वप्न नहीं लगा सचमुच से तेरे गोद में एक बालक है। उसी दिन ही मैया जसोदा गर्भ धारण की, ब्रज में हला हो गया, हमारी राजा जन्म लेने वाला है, हमारी राजा जन्म लेने वाला है। सारे ब्रजवासी 6-6 महीना पहले 84 गज की लहंगा चुंदरी बना करके रखी, बोले कृष्ण लाला होगा नंद बाबा को हम बधाई देने के लिए जाएंगे। और जितने गोपियां बड़े सुंदर चुंदरी, ब्रजवासी जितने बगल बंधी टोपी और बड़े सुंदर हैं धोती बना करके रखे। अभी भगवान कृष्ण जन्म लेने वाले, देखो पहले ये मशीन नहीं हुआ करता था, हाँ कभी कभी देखते हैं ना अगर बेटी होगा तो मार दो, बेटा होगा तो उसको, पहले तो मशीन नहीं होता था लेकिन ऐसे कुछ कुछ चिन्ह होता था जिसको देख करके बड़ी बूढ़ी माता बता देती थी बेटा होगा ना बेटी होगी। एक बड़ी बूढ़ी गोपी बोले जसोदे लगता है तेरे गर्भ में लाला होने वाला है। बोले उसका लक्षण क्या है? शास्त्र में बताया अगर उसकी होठ पीला रंग दिखे समझना ये बेटा होने वाले। एक बड़ी बड़ी गोपी बोली मैया तुमने कुंवारी पड़ में जुड़ में केलन तो नहीं खा ली थी? बोले क्यों? लगता है तेरे पेट में दो बच्चे, एक कृष्ण थे और एक जगमाया थे, ये दो थे। गर्भ में जो बच्चा रहते हैं देखना उसी समय चटपटी चीजें खाने की इच्छा करती है। मैया बोली मेरे को खीर खाने की इच्छा कर रही है, तो उन्होंने सुंदर खीर बनाया, सालग्राम को भोग लगाया, मैया को खीर खिलाई। हाँ देखो माता ध्यान देखो सुनो, एक होता है गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार मतलब है, कल परसों में बता रहा था ना, गर्भ में जो बच्चे रहे उसी समय में माताओं को सुंदर सुंदर भगवान की पिक्चर दिखा, जय भगवान राम की नारायण की ठाकुर जी की सुंदर सुंदर उनको कथा सुनाया जाए। सुनने पर क्या होगा? जो गर्भ में जो बच्चा है उसको पर अच्छे संस्कार पड़ेगा, फिर वो बच्चा लवकुश जैसे बन करके आएगा, लवकुश जैसे बच्चा बन करके आएगा है। इसलिए अगर गर्भ में बच्चे रहते समय उल्टा पुल्टा फिल्म डिस्क पर ध्यान से हो गए फिर तो गुंडा बन करके आएगा, ये शास्त्र कहता है। फिर रामायण सुने कि नहीं? रामायण कल पहले बता रहा था ना, जब माता सीता गर्भवती थी, अब रामायण देखे होंगे लवकुश, सारे संत समागम एकत्रित हुई, पता नहीं कहाँ से आए, भगवान राम ने सत्संग रखवाया। सीता को बोले सीते जानते हो ये सत्संग मैंने क्यों रखा हुआ है? बोले क्यों? बोले अभी तो गर्भवती हो, अगर इसी समय में सत्संग सुनोगे वो बच्चा बड़ा संस्कारी बन करके आएगा। हैं आप लोग देखे होंगे कितने संस्कारी लवकुश कितने संस्कारी बन करके आए। अभी बच्चे सारा दुनिया में क्या बोले, बच्चे बात नहीं सुनते, बच्चे क्यों? ये सब माताओं के दोष है। देखो हमारे जो विशाखा दीदी है ना, ये यहाँ पर बैठी हुई, इनके इनके दोनों बच्चों को देख लेना, इनके दोनों बच्चों को देख लेना कितने सरल बच्चे हैं। आज इनकी बात कर रही थी विशाखा दीदी, बोल रही थी जब इनकी गर्भ में बच्चा हुई तब उसने बोली डॉक्टर ने बोल दिया था इधर उधर हिलना डुलना नहीं विश्राम करो, तो उन्होंने देखा भैया समय को बिताए कैसे, उन्होंने पूरा श्रीमद् भागवत ग्रंथ को उन्होंने लाए थे, पूरी भागवत ग्रंथ उन्होंने लाई थी और बोले जिस समय मेरे पेट में उसका छोटा बच्चा तो ध्रुव था
उसने जब थी उसी समय उन्होंने कहते पूरी महीने की श्रीमद भागवत ग्रंथ मैंने पढ़ा है। अब उनके छोटे बच्चों को देखना इतने सरल सीधा बोलोग यहाँ बैठ जाए और उधर बैठ रहे वो इधर उधर कहीं नहीं करेगा। उसका बड़ा बेटे को देखो ठीक वैसे इसका बड़ा बेटा दोनों बेटे को देखोगे है कोई इधर उल्टा पुलटा कोई संगत नहीं करते हैं। वो विशाखादेव का बच्चा तो आर्किटेक्टर बन गया कहते कोई लड़की बात करना चाहते ना वो बात ही नहीं करता उसके साथ। वो बोल रहे थे मेरे बेटा किसी लड़की से बात नहीं करता किसी और जैसे तुम भोले भाले देखोगे ना दोनों बच्चों को इतने भोले भाले क्यों ये जिस समय गर्भ में थे जो विशाखा दीदी जिसने यहाँ पर प्रचार किया हरि भक्ति को जिसने यहाँ पर लाई और प्रचार की घर घर में जो भक्ति कहते कारण यही गर्भ में रहते समय उन्होंने अच्छे संस्कार डाले उल्टा पुलटा गंदी चीज नहीं देखना भगवान की नाम जप करना भक्ति करना। अगर आप भी चाहते हो आपका बच्चे अच्छे बने सरल बने पिता माता के आदर्श पालन करे पिता माता की सेवा करे ना आप जरूर गर्भ में बच्चे रहते समय क्या करना कभी भी उल्टा पुलटा चीज को मत देखा करना। देखना बच्चा तुम्हारी बहुत अच्छी संस्कारी बनेगी। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। इसलिए उनको बड़े सुंदर सुंदर ठाकुर की तस्वीर दिखाया करते थे ऐसे लग रहा था मानो आज रात को ही बच्चा की जन्म हो जाए। गांव में 8 बजे तक सबके सब जगे रहते थे उसको बाद में सब सो जाते थे। बोले एक काम करो 8 से 10, 10 से 12 क्या करो मजीरा ढोलकी दे दो सबके सब ठाकुर जी का कीर्तन करते रहे। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय हर गोविंद जो बहन है उसका नाम थी सुनंदा। वो तो 6 महीना पहले घर में आकर बैठी है। बोले क्यों? बोले भैया अभी भाभी गर्भवती है ना अगर घर में बेटा होगा ना मेरे को नवला आकार मिलेगी। इसलिए 6 महीना से पहले आकर घर में बैठी गई और सारे काम धाम कर रही है घर की। अभी सबसे पहले उसकी आँख खुली तो देखा सबके सब सोए पड़े हुए। बोले भैया भाभी का क्या हालत है? उनने जाकर दरवाजा खोल कर देखा मैया जसोदा की गोद में बड़ा सुंदर श्याम रंग का एक बालक किलकारी मारते हुए खेल रहा है। बोले भैया बालक का कब जन्म हो गया तो उसको पता ही नहीं चला।
सबके सब सोए पड़े हुए। भाई भैया ये कब से पहला खबर तो सिर्फ नंद बाबा को देनी चाहिए, क्यों मैं मेरे को नवला की हार मिलेगी। उन्होंने हाफते हाफते गई जा करके बोली नंद बाबा कमाल है गए हो। नंद बाबा बोले भैया कहा भयो है। बोले पहले बता तुमको क्या दोगे, 6 महीना पहले आकर बैठी कर बता मेरे को क्या दोगे। बोले ले नवला की हार ले ले। बोले इसी इसी के लिए तो मैं बैठी हुई थी, हाँ इसी के लिए तो मैं बैठी हुई थी। बोले नवला की हार ले ले। बोले और क्या दोगे, बोले नवला की हार दे दिया ना। बोले भैया बात इतने बड़ी जिसको सामने नवला की हार भी कुछ नहीं। बोले क्या बोल रहे हो, ये नवला की हार है। बोले भैया बात भी तो बहुत बड़ी है। बोले बताओ और क्या दोगे। बोले जमीन यमुना किनारे में जितने जमीनी जगह तेरे नाम बन गई, आज से तू उसकी मालिक बन जा। बोले और क्या दोगे। बोले दे दिया ना, और क्या चाहिए। बोले भैया बात तो बहुत बड़ी बात है, बता दे और क्या दोगे। बोले ले ट्रेजरी का सारे चाबी काटी तू पकड़, जो इच्छा तुम ट्रेजरी खोल करके ले लेना, लेकिन ये बता तो सही घर में कहा भयो है। बोले भैया तेरे घर में लाला भयो है। हम लोग की तारी नहीं है। बोले श्री नंद के लाला की, नंद बाबा तो एक लाला के लिए कितने तपस्या, कितने उन्होंने व्रत, कितने तीर्थाटन उन्होंने किया भगवान के लिए। हाँ घर में एक बच्चा हो जाए, जब उन्होंने सुना घर में लाला, नंद बाबा तो वहीं से ही दौड़ लगाए। ब्रजवासी बोले बाबा जीवन में पहला बार लाला को देखोगे, अरे कम से कम तो सज-धज करके जा। बड़े सुंदर उनको बगल बंदी धोती पगड़ी बना दिए, गले में माला सुंदर तिलक लगा दिए। बोले देखो शीशा से देखो कैसे लग रहे। बोले भैया बढ़िया तो लग रहा हूँ, लेकिन एक चीज की कसर रह गई। बोले किस चीज की। बोले जो दाढ़ी है ना थोड़ी सफेद है। बोले चिंता क्यों करते, उसको भी हम कलर कर देते हैं, हाँ काला कर देते हैं। बोले अभी देखो। बोले भैया चोखो लग रहा हूँ। बोले जाओ अभी लाला को आशीर्वाद दो। नंद बाबा आई, पहला बार जब उन्होंने कृष्ण को देखा इतने प्रसन्न, बेटे को देख करके इतने प्रसन्न, नीलमणि जैसे चमक रहे थे भगवान, अद्भुत रूप ठाकुर जी की है देख करके इतने खुश हो गए। उन्होंने मन मन में संकल्प किया ब्राह्मण को मैं 20 लाख गैया, जो गैया केवल एक बच्चा जन्म दिया है, 20 लाख में गैया में दान दूंगा, और 7 तिल का पर्वत मखमल कपड़े से ओढ़ करके मैं ब्राह्मण को मैं दान दूंगा। उन्होंने संकल्प कर लिया। बोले पहले साधु संत और ब्राह्मण को बुलाओ, क्योंकि उनकी कृपा से ही घर में ये संतान भय हुए। पहले आकर के ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन पढ़ करके बच्चों को आशीर्वाद दिए। बोले जाओ ब्रज मंडल में ढिंडरा पिटवा दो, सबके सब बधाई देने के लिए आए। जितने गोपियां थी ना 84 गज की लहंगा चुंदरी पहन करके 16 श्रृंगार धारण करते हुए दूध दही और मक्खन मिश्री लेकर के गोपियां सज धज करके आ रही थी। जब आ रही थी कान में जो कुंडल पहन रखी थी वो कुंडल बड़े जोर जोर से हिल रहा था। बोले क्यों। बोले तुम लोग पहुंचने से पहले हमें छोड़ दो, सबसे पहले लाला को हम आशीर्वाद देंगे, वह दर्शन करेंगे। बोले चोटी से एक एक फूलों की एक एक फूल गिरते गिरते इनके चरणों के ऊपर गिर रहा था। बोले क्यों। बोले जो लोग प्रभु को स्वागत करने जा रहे हैं उनकी चरण की हमें पूजा करनी चाहिए। और जितने गोपियां थी ना श्री मैया जसोदा को बधाई दे रही थी। देखो मैं बोलूंगा मैया जसोदा बधाई हो, आप लोग क्या बोलोगे, बधाई हो बधाई हो, जोर से बोलना ठीक है, जोर से बोलना। बोले मैया जसोदा बधाई हो, आनंद नहीं है आज एकादशी है ना, लगता कुछ खाए गए कुछ कुछ प्रसाद वगैरह आए कि नहीं है। हाँ देखो अभी माताओं को बाद में, फिर पीछे जो भैया बैठे ना इनके नंबर भी आएगा, इसलिए इतने जोर से बोलो जैसे उनके उनकी आवाज से आपका आवाज थोड़ा ज्यादा होनी चाहिए ठीक है। और एक बार बोलो। बोले मैया जसोदा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अभी मैया जसोदा बोली बधाई हो ब्रज की गोपियों, तुम लोगों को आशीर्वाद से ये बूढ़ी उम्र में भी मेरे को लाला का मुख दर्शन करने मिलो है। लाला मेरो नहीं, लाला तुम लोगों का लाला है। और जितने माताएं हृदय से ये माताएं आशीर्वाद दे रही थी। बोले क्या दे रही थी। बोले जुग जुग जियो री यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जियो री यशोदा मैया तेरो
बोले राधा रानी के पिता और माता वृषभानंद महाराज कृतिका सुंदरी आ जाए फिर तो ये नंद महोत्सव प्रारंभ होगा। और देखते देखते सचमुच से दोनों प्रवेश किए और बड़े सुंदर दही दूध घी मिश्री लेकर के आई थी हैं। इतने में एक गोप ने आकर के मैया कृतिका को सर के ऊपर जो मटकी थी और एक डंडे से मारी तो मटकी फूट गई और दूध दही से कृतिका मैया स्नान कर ली। एक दही में हल्दी और घी मिला करके दूसरों को पर लगाते जिसको दधिकाती कहते ये मंगलवाती है एक दूसरों को पर लगा रहे थे और वहां पर इतने दही दूध लाए थे सब कीच कीच हो गया। सबके सब फिसल फिसल करके एक दूसरों को पर में गिर रहे थे और बोल रहे थे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। और मक्खन की डेले को डेले उठा उठा करके एक दूसरों को पर फेंक रहे थे। एक 100 साल की एक माता जी थी वो भी आकर के देख रही थी उसकी एक दांत नहीं वो ऐसे देख रही थी। बोले भैया बड़े जोर के नंद महोत्सव है रहे एक गोप ने एक मक्खन की ढेला उठाई और माता जी के मुंह को सीधा करके मारे उसको तो एक दांत थी नहीं और मुंह में लगते ही ना सीधा अंदर में सटक गया। बोले भैया नंद उत्सव में कोई धोखे नहीं रहते हैं और नंद बाबा की जो आंगन बहुत बड़ी आंगन दूध दही से वो आंगन एकदम भर गया था लग रहा था जैसे कोई खीर समुद्र प्रकट हो गया। और नंद बाबा बड़े लंबे चौड़े देखने में गौर रंग के बड़े लंबे चौड़े थे और कपड़े में अपना कमर में फेटे बांध करके रखे थे। जितने ब्रजवासी उनको पकड़ करके उसको बीच में ले आए बोले बाबा तेरे घर में लाला भयो ये सब के सब नाच रहे हैं और तुम मटक मटक करके देख रहे हो अरे कम से कम आज का दिन थोड़ा तू नाच तो ले। उनको पकड़ करके बीच में ले आए एक तरफ में नंदगांव के गोप दूसरे तरफ में बरसाना के गोप दोनों तरफ में दोनों पकड़े हुए ऐसे लग रहा था मानो यहाँ खीर समुद्र प्रकट हो गया। हमारे संत लोग वर्णना करते हैं कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कैसे ये लवण समुद्र को देवता दैत्य मिलकर के मंथन कर रहे थे। बोले देवता कौन है बोले रजोगुणी बोले दैत्य कौन बोले तमोगुणी है और वहां सबसे पहले क्या निकला बोले 20 जिसको भोले बाबा पान किया और कंठे में धारण किया तो शंकर जी का एक नया नाम हो गया। क्या नाम हो गया बोले श्री नीलकंठ महादेव की। लेकिन यहाँ पर यहाँ सबसे पहले बोले नंदस्तु आत्म जाता लाद महामना कदि यहाँ पर तो आनंद कंद भगवान कृष्ण स्वयं सबसे पहले प्रकट हुए और वहां पर जो मंथन से 14 रत्न निकला था और उच्चे सर्व अश्व ऐरावत हस्ती कौस्तु मणि पारिजात पुष्प वहां पर सब निकली थी। लेकिन यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित नंद महाराज ने इतने हीरे जवाहरातों को लुटाया इतने हीरे जवाहरात लुटाया ब्राह्मण लोग गठली बांध करके ले नहीं पा रहे थे गठली के कोने से हीरे जवाहरात बिखरते 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 जा रहा था अली गलियों में हीरे जवाहरात बिखर रहा था। ऐसे लग रहा था मानो कृष्ण गोकुल में जन्म लेने पर माँ लक्ष्मी अली गलियों में माँ लक्ष्मी नृत्य कर रही है ऐसे लग रहा था। बोले भैया इतना कहाँ से पैसा आया इतने कहाँ से जहां पर कुबेर भी जिनको देखकर कुबेर की सर भी नीचा झुक गया। बोले भगवान मेरे को कुबेर क्यों बनेगा झूठ मूठ का है नंद बाबा को पास में इतने धन दौलत भैया मेरे पास में भी इतना नहीं। बोले इतना आया कहाँ से बोले जब कृष्ण आए ना उनकी लादिनी शक्ति पराशक्ति इनकी स्वरूप शक्ति श्रीमती राधा रानी ने आ गई राधा रानी ने रिद्धि सिद्धियों का आदेश दिया। आज मेरे प्रियतम बांके बिहारी जी के जन्म उत्सव में इतना नंद बाबा दान करे जैसे कोई लेने वाले जैसे नहीं रह जाए
लेने वाले को ही नहीं रह जाए, इतने दान दक्षिणा दो हैं। वहां पर श्री भोले बाबा भी वहां पर आए थे। अब बताओ भोले बाबा का वाहन कौन है? जोर से बोलो, नंदी। नंद बाबा ने 20 लाख गैया दान किया। जब गैया दान दे रहे थे ना, शंकर तो चक्कर में पड़े गए, बोले किस चीज की? बोले इतने गैया दान दे रहे हैं, भैया मेरे नंदी भी तो बैल है, इसको भी गैया मान कर अगर दान में चला जाएगा मैं चढ़कर किस में जाऊंगा। उन्होंने उसको पूछ को पकड़ कर खड़े हो गए, भैया मेरे नंदी को दान में मत दो। वहां पर मैया पार्वती भी आई थी, कहते उनको भी दो बेटे हैं। कौन कौन दो बेटे हैं? गणेश और एक कार्तिकेय। अभी जो गणेश श्री गजानन है, गणेश श्री गजानन है, इनका भी सर हाथी का जैसे। मैया तो डर गई, बोले क्यों? बोले हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। उन्होंने इतने हाथी घोड़े दान दिए, बोले भैया हाथी घोड़ों को दान देते दे दे भूल से मेरे बेटे को अगर हाथी मान कर दान देते दे ना, मेरे बेटा ही दान में चले जाएगा। उन्होंने तो गणेश जी को गोद में उठा करके बड़े जोर से चिपका करके अपने खड़े हुई थी, इसलिए सबके सब गा रहे थे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। लेकिन सबके सब तो नाच रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति नहीं नाच रहे थे। बोले कौन? कौन नहीं नाच रही थी? बोले रोहिणी। रोहिणी कौन? दाव भैया की माँ। बोले वो क्यों नहीं नाच रहे थे? कारण क्या? बोले वो प्रसिद्ध भत्री था। बोले प्रसिद्ध भत्री का मतलब क्या है? बोले जिसका पति दूर देश में और कष्ट में हो, जेल में हो, पत्नी सबके सामने नाचेगी कभी? पति कौन? बोले वसुदेव महाराज मथुरा में कंस के कारागार में पड़े हुए। जिसका पति कारागार में होगा, पत्नी कभी सबके सामने नाचेगी कभी? इसलिए वो बेचारी बड़ी दुखी होकर बैठी हुई थी। और दाऊ भैया जन्म से आंख बंद करके रखे, इनकी मन में इच्छा जब सबसे पहला आंख खोलो पहले श्री कृष्ण को दर्शन करके फिर मैं दुनिया को मैं देखूंगा। इतने में श्री नंद बाबा ने देखा सबके सब तो यहाँ नाच रही है, लेकिन घर के सदस्य श्री रोहिणी है नहीं। तब वहां पर श्री नंद बाबा गए, बोले रोहिणी तुम घर में दो ही स्त्री हो, एक जसोदा और एक रोहिणी। जसोदा तो संतान जन्म दी, अभी तो कुछ काम कर ही नहीं सकती, कौन आया किसको क्या देना लेना कौन करेगा, अभी तेरे को तो करना पड़ेगा। हाँ मेरे को पता है तेरे पति जेल में, लेकिन कम से कम मेरे लाला को आशीर्वाद तो दे सकते हो, इतना तो कर लो। तो उन्होंने वहां से बलदेव प्रभु को उठा कर ले गई और कृष्ण को पास में जब लेटा दीना, जब बलदेव प्रभु ने देखा कृष्ण को सामने आ गया, इतने में बलदेव प्रभु आंख खोल दी। जो जीवन में पहला बार आंख खोले, रोहिणी तो दुखी थी लेकिन बेटे का आंख खोलना देख करके वो भी झूम उठी, वो भी ठुमक लगा करके वो भी नाचना शुरू कर दी। इसलिए अभी प्रभु जी एक बड़े सुंदर भजन गाएंगे नंद महोत्सव में, कैसे ब्रजवासी कल तो मथुरा में है, कल तो मथुरा के उत्सव था, आज गोकुल में नंद के महल में यह उत्सव है। देखो आज भगवान के दरबार में जो एक बार नाच लेगा ना, 84 लाख के जन्म में नाचना खत्म हो जाएगा। बाकी भी आज देखेंगे मेरे जन्म उत्सव में कौन नाच रहे और कौन चुप करके बैठ रही है। सबके से एक बार खड़े हो जाओ, टांग को सीधा कर दस होते सब। लाला जायो हे नंदगज, लाला जायो हे, लाला जायो हे नंदगज, लाला जायो हे। ब्रज में, ब्रज में, ब्रज में, ब्रज में।